ये दीवान हाल रोड है, ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट में चांदनी चौक में, और मैं यहाँ कम से कम तो 34-35 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो ऑमलेट होता है, एक हाफ फ्राई होता है, एक भुर्जी होता है, एक फ्रेंच टोस्ट होता है, और एग स्टू बनता है जो बॉयल्ड अंडे का बनता है वो। तो ऑमलेट जो तैयार करने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं कटलेस, यानी कि इसमें डबल अंडे होगा या जितने मर्जी आपका हो, लेकिन लिमिट कम से कम तो 2 अंडे का होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीट फूड ट्रैकर। आज हम आए हैं चांदनी चौक की फेमस ओल्ड लाजपत राय मार्केट में एक स्पेशल ऑमलेट खाने के लिए। यहाँ पर एक स्टॉल है चौधरी ऑमलेट कॉर्नर के नाम से, जो कि फेमस है अपने ऑमलेट्स के लिए। जी हरी मिर्च हल्की तेज। हेलो। हाँ नहीं नहीं, अरे सर आपका तो हो गया बढ़िया, लेकिन भैया का भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। और इतना टेस्टी ऑमलेट बनाते हैं और इसी के लिए ये फेमस है अपने इस मार्केट में। So, आइए जानते हैं जयराम जी से इनके स्टॉल के बारे में और इनके स्पेशल कटलेस ऑमलेट के बारे में। मैं 34-35 साल से ऑमलेट बना रहा हूँ, मैं समझ लो। तो पहले शुरू में तो मैं 2.5 रुपए का बनाता था, मैं ऑमलेट डबल अंडे। अच्छा। हाँ जी, मैंने को देखा हुआ है। आप तो सर जी देखिए, आपके जो लोग पुराने लोग है वो भी जानते हैं मुझे। पहले मैं नौकरी क्या करता था, 606 नंबर दुकान पे और 482 नंबर दुकान पे, तो एक छोले कुलचे की दुकान थी और एक चाय वाले की दुकान थी। अच्छा। तो वो दोनों। हाँ जी, तो मैं 82 से मैं मार्केट में हूँ, पर मैंने ऑमलेट की दुकान जो लगाई है मैंने वो लोग 87 से लगाई है। अच्छा। हाँ। बहुत कम उम्र में जयराम जी काम की तलाश में बिहार से दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली आकर के इन्होंने एक चाय की दुकान पर नौकरी शुरू की। कुछ सालों तक नौकरी करी, पर हाथ में हुनर था तो सोचा कि बॉइल्ड एग और ऑमलेट का एक स्टॉल शुरू किया जाए। तो 1987 में इन्होंने अपना एक स्टॉल लगाना शुरू किया। काम के दौरान मुश्किलें भी आईं, लेकिन उनसे हारने की बजाय मुश्किलों से लड़ने का फैसला किया। अगर आपके हाथ में हुनर हो, स्वाद हो, तो लोग आपके पास खुद ब खुद चल के आते हैं। भैया मेरे को हो गया कम से कम साल भर होने जा रहा है। एक साल से मैं जब भी यहाँ सामान लेने आता हूँ तो इनको ऑमलेट खाके जरूर जाता हूँ। ओके। और भी बहुत बढ़िया ऑमलेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सिखाते हैं और बहुत बढ़िया टेस्ट है। इधर ऑमलेट है, मतलब उनकी टक्कर का ही है, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा है। मेरे को भी 7-8 साल हो गए, मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो भाई के पास जरूर आता हूँ। अच्छा। हमेशा बोलता हूँ टमाटर तेज। क्या बात है, बड़ा मजा आता है। और कहाँ से हैं? मैं इंदौर से आया, काम है तो आता रहता हूँ। तो क्वालिटी कैसी होगी? एक नंबर। मुझे क्या, मैं बोल देता हूँ बस टमाटर तेज करके बना देते हैं। अच्छा। बड़ा मस्त बना देते हैं। जिस तरह से जयराम जी ऑमलेट बनाते हैं उसमें उनका अनुभव साफ दिखता है। जयराम जी के हौसले को सलाम करते हैं कि वो जो थे, जहां थे, जैसे थे, वहीं से उन्होंने उसकी शुरुआत करी। अच्छा समय आएगा के इंतजार में ख्वाब लेने की बजाय मेहनत करने की ठानी, और तब जाके शुरुआत हुई जयराम जी के इस स्टॉल की। वेल दोस्तों, आइए अब कटलेस ऑमलेट की तैयारियां हैं और देखते हैं कि ये कैसे तैयार होता है। देखो, बटर जो अमूल का ही होता है हमारे पास। हाँ जी। हाँ ये देखो, बटर जो हमारे पास ना अमूल का ही होता है, ये मुन्ना आता है, ये बिल्कुल पैक, ना कटिंग करने का ना बोले, इसकी बड़ी पैकिंग होती है ना, ये है हमारे पास, इस बड़े पैकिंग में आता है ये। तो ब्रेड भी हमारे पास ना हार्वेस्ट होता है, दूसरी ब्रेड कोई नहीं होता। हाँ जी, जो भी ब्रेड दे लो इसके अंदर कुछ भी लोकल कुछ नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पास जो है ना सब मार्केट के लोग होते हैं ज़्यादा करके 90%। एड्रेस क्या आपके यहाँ पे आने का? ओल्ड लाजपत राय मार्केट, ठीक है। और अब ये दीवान हाल रोड है, और ये CGS डिस्पेंसरी है, ये भी नियर है ना। हाँ ये है। अभी प्राइस क्या आपका ऑमलेट का? ऑमलेट ये रीजनेबल रेट है, 45-65, इससे ज़्यादा हम नहीं लेते किसी के पैसे, क्योंकि सब मार्केट के। तो ऑमलेट जो तैयार करने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं कटलेस, ठीक है, यानी कि इसमें डबल अंडे होगा या जितने मर्जी आपका हो, लेकिन लिमिट कम से कम तो 2 अंडे का होता है, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, ये इसको कटलेस बनाऊंगा जिसमें ब्रेड वेड सारा इंक्लूड होगा जो भी है इसमें, जैसे कि जिंजर हो गया, टमाटो हो गया, गार्लिक हो गया, ठीक है, और इसमें ग्रीन चिल्ली हो गया, कोरिएंडर हो गया, टमाटो हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों से, और अमूल बटर के साथ होता है इसके साथ। उसके प्राइस कितना भैया आपका? 60 रुपीज़। तो कटलेस बोलते तो वो अपने आप ही पता चलेगा, उसमें ब्रेड आपको दिखेगी नहीं, मतलब। अच्छा। हाँ, मैं जो बनाऊंगा ना तो उसमें ब्रेड आपको दिखेगा नहीं, ब्राउन ब्रेड लगाऊंगा इसमें, ठीक है। ये ब्राउन ब्रेड है ना, इसको कटलेस बनाया जाता है सर जी, और इसको आपको दिखेगा नहीं कि क्या है। अच्छा, ये ब्रेड कितने पीसेस कर लिए? ये तो यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन वैसे आता है कटलेस कटिंग अलग से आता है। ये अमूल बटर, ये अमूल बटर आ गया, ठीक है।
इसका साइज आता है पूरा बना हुआ। ठीक है, इसमें दो डालते हैं? नहीं, एक वन हाफ और डाल देंगे ना। अच्छा, हाँ। फिर ये ऊपर से और डाल दूंगा आधा। ओके, सॉल्ट हो गया, ये रेड चिली होता है। अच्छा। और ये होता है कि जीरा पाउडर होता है इसमें, है। और इसमें ब्लैक पेपर जो होता है ना, ये सब होता है, अजवाइन वगैरह जो होता है सब मिक्स होते हैं मसाले में। ग्रीन चिल्ली, ये आ गया आपका ओनियन, ये हो गया आपका टमाटो, आपको जिंजर, ये कोरिएंडर आपका आ गया, और ये आप बन जाएगा फिर तो जाएगा दूसरे तरफ। और ये कटलेस आता है, इसको ब्रेड कटिंग करके लगाया जाता है जो दिखता नहीं। सो ऑमलेट को मीडियम आंच पर पकाया जाता है ताकि ऑमलेट के अंदर तक फ्लेवर आ जाए। इसमें डबल ही बटर लगता है ना सर, ये सिंगल बटर में नहीं होगा। सो आप देख सकते हैं कि ऑमलेट बिल्कुल पककर गोल्डन ब्राउन सा दिखने लगा है, और आप यकीन मानिए बहुत टेम्प्टिंग लग रहा है। सो फाइनली कटलेस ऑमलेट हमारी प्लेट में आने के लिए तैयार है। सो दोस्तों, बहुत ही लाजवाब ऑमलेट बना है, और मैं अब अपना ऑमलेट इंजॉय करता हूं। और कभी आपको टाइम लगे तो जयराम चौधरी जी की शॉप पर कटलेस ऑमलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे तो कहूँगा आप कुछ भी खाएं, आप खूब इंजॉय करेंगे इनके ऑमलेट को भी और इनकी बातों को भी।